हाय फ्रेंड्स, माय सेल्फ इज अमित और आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने लैपटॉप कंप्यूटर से विंडो 10 से 8 से माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट कैसे डिलीट कर सकते हो। आज आपको मैं जो तरीका बताने वाला हूँ उससे आप 10 से 20 सेकंड के अंदर अपना माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट अपने लैपटॉप कंप्यूटर से डिलीट कर सकते हो। ये वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, मैंने एक वीडियो बनाई थी कि आप सिर्फ 30 सेकंड या 1 मिनट के अंदर माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट कैसे बना सकते हो। इस वीडियो पे मुझे काफी कमेंट्स आई जिनमें मुझसे पूछा गया था कि माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट कैसे डिलीट कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस टाइम मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे आ चुका हूँ और आपको मैं दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से आप अपने लैपटॉप कंप्यूटर या फिर टैबलेट से माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट डिलीट कर सकते हो। तो यहाँ से दोस्तों मैं विंडो के बटन पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ से जो है सेटिंग्स पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ से अकाउंट्स पे क्लिक कर देता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो कि जिस ईमेल आईडी से मैंने माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट बनाया हुआ है और जिस यूजर नेम से माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट बनाया हुआ वो यहाँ पे शो कर रहा है, साथ में ईमेल आईडी भी लिखी हुई है। आप यहाँ पे देख सकते हो मैनेज माई माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट, इस पे क्लिक करने के बाद अपने माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट में नेम चेंज कर सकते हो, उसे मैनेज कर सकते हो सर्विस वगैरह को। तो दोस्तों मुझे इस लैपटॉप से माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट डिलीट करना है तो मैं यहाँ से साइन विद लोकल अकाउंट पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ से जो है नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ से जो भी मेरे माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट में मैंने पिन या पासवर्ड लगाया था वो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो भी मेरे सिस्टम का यूजर नेम पहले से ही था वो यहाँ पे आ चुका है। अब मैं यहाँ पे जो है पासवर्ड टाइप कर देता हूँ। अगर आप पासवर्ड टाइप नहीं करना चाहते तो आपकी मर्जी, आप नेक्स्ट बटन पे सीधा क्लिक करके आगे बढ़ सकते हो, लेकिन मैं अपने लैपटॉप सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे कोई पासवर्ड टाइप कर देता हूँ और यहाँ से हिंट में आप कुछ भी टाइप कर सकते हो। यहाँ से मैं जो है नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देता हूँ। अब आप यहाँ से देख सकते हो कि यहाँ पे साइन आउट हो जाएगा जो भी मैंने माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट में इससे लॉगिन किया हुआ था। तो मैं यहाँ से साइन आउट एंड फिनिश पे क्लिक कर देता हूँ। साइन आउट के बटन पे क्लिक करने के बाद जो आपका कंप्यूटर रिस्टार्ट हो सकता है या फिर आपका कंप्यूटर जो स्विच यूजर मोड पे जा सकता है। वहां से फिर आपको पासवर्ड डाल के अपने कंप्यूटर को फिर से ओपन करना है। तो मैं यहाँ से फिर से विंडो के बटन पे क्लिक करता हूँ, यहाँ से सेटिंग पे क्लिक करता हूँ, यहाँ से अकाउंट पे क्लिक करता हूँ। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो मेरा माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट था वो यहाँ से हट चुका है। अब यहाँ से अगर मैं चाहता हूँ तो माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट से फिर से जो है लॉगिन कर सकता हूँ, लेकिन मैं जो इसमें माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट को बिल्कुल भी यूज नहीं करता इसलिए मुझे इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। तो इस तरह से आप अपने लैपटॉप कंप्यूटर या टैबलेट से माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट बड़ी आसानी से डिलीट कर सकते हो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है डिलीट करने में, कोई भी दिक्कत आती है, तो आप मुझे कमेंट करके या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे चैट करके मुझसे बात कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।